आउटलेट पर होगा, आपके सारे फिजिक्स के स्टूडेंट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, ठीक है, तो उस हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो जलता है, मतलब कि ग्लो करता है अगर उससे करंट पास करवाए आप तो इलेक्ट्रिक हीटर से, तो लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है, केबल आप बोल लो या फिर वायर बोल लो, जिससे करंट उस इलेक्ट्रिक हीटर में सप्लाई होती है, वो ग्लो नहीं करता है। तो इसका रीजन क्या है भाई? तो इसका रीजन सिंपल है, ये जो कॉर्ड होता है ये हमारा जनरली कॉपर एलिमेंट का बना होता है, और ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये हमारा एक एलॉय होता है, ठीक है, और इसकी इस एलॉय जिस चीज से ये बनी होती है उसकी रेसिस्टेंस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस इज वेरी हाई। अब ज्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इससे रिलीज होती है, और वो हीट एनर्जी के कारण वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, उसकी टेम्परेचर इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो ग्लो करने लगता है, ठीक है, लेकिन ये जो कोल्ड होता है उसकी रेसिस्टेंस कम होती है, लो होती है, इसलिए ये कॉपर से कम हीट डिसिपेट होता है और इसलिए ये ग्लो नहीं करता है। तो ये बेसिक रीजन है हमारा इस क्वेश्चन के पीछे।